अब इनको देखो, ये पैर से ब्रेकें मार रही है। अभी आई गई थी, ऑलमोस्ट गाड़ी के ऊपर ही आ गई थी। ये पापा की परियां हैं ये। तो भाई वैसे उत्सम वेदर, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30-6, और अल्टीमेट वेदर हो रखा है। कहीं पे तो बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है। और आज मैंने फाइनली एक जिम में कॉल भी करी और एक जिम पता करी है, बाकी लेट्स सी। तो चलो भाई, आज मैं निकला हूँ एक जिम का पता करने, होप्सो कि मिल जाए। बात तो हुई है बंदे से, लेट्स सी। आज तो सिर्फ पता करने जाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ 2-4 दिन तक अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि साला आज बात करके आऊँ, कम से कम उठ के जाऊँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं, थोड़ा शेप में आना पड़ेगा। क्योंकि सर्दियों में बहुत खा खा के, बहुत पी पी के अपनी सेहत की माँ बहन कर ली हमने, मदर सिस्टर इक्वल हो चुकी है, तो इस बेटर की ज़्यादा दिक्कत आ जाए, हेल्थ इश्यूज होने लग जाए या कुछ हो जाए। और मैं इतने टाइम के बाद यार मेरे को वायरल हुआ, और मैं 4-5 दिन मेरी इतनी बुरी हालत रही कि लगा कि वर्कआउट बेटर था, नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है मेरे भाई। हाँ पता है, फ्री का ज्ञान है, जिसको समझ में आए वो ले लेना, जिसको ना आए कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे, ठीक है। इट्स जस्ट कि मैं अपनी YouTube फैमिली से बात कर रहा हूँ, और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जिम मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी अपनी सेल्फ गेड़ी, सेल्फ टाइम करके आ जाते हैं वापस। अपना सेल्फ टाइम भी होना ज़रूरी है। और वैसे भी अब मैं किसी से मिलना या ऐसा वो मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है, तो इसीलिए मैं YouTube पे आया कि मैं अपनी एक सेपरेट YouTube फैमिली, YouTube बेस बना सकें और हम लोग डेली कनेक्ट कर सकें। तो और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार जैसे दिखाते रहिए, और हमारे 1700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं सून, और इसी तरीके से आप बने रहें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। तो चलो भाइयों, निकलते हैं अपना टाइम स्पेंड करने, थोड़ा अपना टाइम भी हो जाना चाहिए कभी। क्या क्लियर वादी है, मजा आ गया। तो मिलता है यहीं पे, ये पीछे बोतलें हैं आई थिंक पानी वाली, वो हिल रही हैं, तो ये उनकी आवाज आ रही है। ये है हमारा आगे का व्यू, क्या सेक्सी सेक्सी आसमान हो चुका है, और क्या सेक्सी सेक्सी रोड, क्या पेड़, क्या बात है, क्या खच्चर। खच्चरों को देख के 2-3 लोगों की याद आ जाती है। अपना टाइम चाहिए था भाई, अपना मी टाइम, एंड दिस इज माय मी टाइम। और घूम फिर के देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, गेड़ी गेड़ी मार के फिर रात को देखते हैं क्या कर सकते हैं। कार की ये खास बात है कि बेटा इसमें रिवर्स गियर नहीं लगते हैं, और ना ही मैंने अभी तक लगाए। एक दिन तो ट्रक के साथ हम लोग थार और ट्रक खेल रहे थे कि आ जाओ भाई हम भी देखें, तो अच्छी ही फीलिंग आई कि ट्रक वाले ने पीछे किया। और मुझे लगता है कि थार और थार की ना एक कम्युनिटी होती है। एक दिन मैं हाईवे पे निकला हुआ था, और व्हाट ए वंडरफुल फीलिंग कि सामने वाला जो थार पे था भाई, उसने लिटरली वेव किया, और हम दोनों ने एक दूसरे को वेव किया, ऐसी बात नहीं है।
भाई यूँ ये रात हो रही है, शाम के बज रहे हैं अभी आई थिंक 6:30। तो हम चक्कर चक्कर काटेंगे घूमी घूमी कर। ये इन लोगों ने घर के बगल में स्पीड ब्रेकर बना लिए हैं, ठीक है, कौन इनको परमिशन देता है समझ नहीं आती है। और एक ही लेन में कम से कम 6 और क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं। और ऐसे तो मैं भी अपने घर के आगे स्पीड ब्रेकर बना दूं। हाँ, आज मैं थोड़ा ऑपोजिट साइड जाके देखता हूँ, जहाँ बंदे ने जिम बताई है वहाँ जिम मिलती भी है कि नहीं है, देख के आता हूँ, खुद ही देख के आता हूँ उसका कॉल आने से पहले। और भाई अपनी चीज अपनी होती है, फीलिंग ही अलग आती है। आंखें बंद करके बाइक चलाते हैं ना, उनसे बड़ा डर लगता है साले, कहीं से भी आ जाते हैं। ये आ गया हेरिटेज, अब इसके बैक साइड उसने बोला था, लेट्स सी कहाँ लेके जाता है ये हमें। हेलो भाई, अभी कोई जिम है क्या? ये कितने क्या टाइमिंग है इसका? 10:30 बजे तक तो खुली होती है। अच्छा, और क्या चार्जेस हैं इसके मंथली? 1200 रुपया। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। तो फाइनली मुझे जिम मिली है, ये है क्रॉस फिट क्लब। अभी पता नहीं अंधेरे में मैं कितना दिख रहा हूँ कितना नहीं दिख रहा हूँ। तो 10:30 बजे तो खुली रहती है ऐसे बंदे ने बोला है। अभी हम आगे से एक गेड़ी मार के आते हैं और फिर कल इस पे देखेंगे। तो फाइनली एक जिम मिल चुकी है, अभी एक और जिम है जो कि आई थिंक अंसल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे उस तरफ है, तो वो भी जाके मैं कोशिश करता हूँ, अगर आज मैंने देख ली तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम एक दो दिन में जाके जब मैं प्रॉपरली अपना माइंड बना लेता हूँ कि भाई अब तो करनी करनी है तो फिर करनी ही करनी है। तो ये है सामने का व्यू आज का, तो अभी मुझे टर्न करना पड़ेगा टर्न। तो एक जिम शायद यहाँ पे भी है। हेलो भाई, यहाँ पे कोई जिम वगैरह है क्या? यहाँ पे जिम? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे तो नहीं मिली है कोई और जिम। आई थिंक वही एक जिम है जो अभी हमने देखी इस एरिया में। तो अभी चलते हैं अपने खाने पीने की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है अगर जगह खुली होती है तो। शाम के टाइम घूमने का ना मजा ही अलग है, खेड़ियाँ खेड़ियाँ लगती रहें बंदे ठीक रहते हैं। ये है भाई, जितना मर्जी रोड आपको दे दिया जाए तो रोड की माँ बहन कैसे करते हैं ये हमारी कॉलोनी वालों से पूछो। आधे आधे रोडों पे इन्होंने गाड़ियां लगा दी हैं, इन्होंने टर्न ले लेने अभी भाई साहब ने वो टेडी करके लगा देनी है। तो ओवरऑल यू कैन से वेलकम टू द कॉलोनी, आवर कॉलोनी। यार ये राजपूत का टैग ना, सपना भी बोल रही थी गाड़ी पे लगाने के लिए, मगर फिर इससे वही हो जाता है यार कि हमारा वही उसी चक्कर में आई थिंक पहले दूसरी गाड़ी का चलान उसने किया ट्रैफिक पुलिस वाले ने, क्योंकि राजपूत है वो सारा कुछ आई थिंक कास्टिज्म कुछ ज़्यादा रेसिज्म होगा उसमें कुछ ज़्यादा ही कि ये कैसे है। और इतने आराम से चला रहे थे यार, 30 की स्पीड पे थे और उसने भाई साहब ने हमारा कर दिया चलान। व्हाट टू से आगे ले आता तू। चलो भाई, इट्स टाइम टू लीव।
घर चला जाए। वो यार वेदर देखो क्या वेदर हो रखा है। आई थिंक उस तरफ कैमरा जा नहीं रहा है, अभी गया होगा तो अच्छा है। बहुत ही अल्टीमेट स्काई हो रखा है, स्काई। इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, रोड के सेंटर में चल रहे हैं, तो इनकी गलती नहीं है। ये फुटपाथ बना रखा है मगर स्टिल इट्स गुड इवनिंग। यार अब एक बाइक खरीदने का है मेरे को, और समझ नहीं आ रहा है कौन सी खरीदने का। अब इनको देखो, ये पैर से ब्रेकें मार रही है। अभी आई गई थी, ऑलमोस्ट गाड़ी के ऊपर ही आ गई थी। पापा की परियां हैं ये, पापा की परियां। इनको नहीं आ रही थी गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, तो झूलती झूलती जावे हैं। फाइनली घर पे पहुंचा हूँ अभी, और जिम पता करी है आज मैंने, अंदर जाने का टाइम नहीं मिला। देखता हूँ अभी अपने आप को, माइंड अपना माइंड मेकअप कर रहा हूँ, उसके बाद सोन इस महीने शुरू करने की कोशिश तो पूरी है, क्योंकि हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, हवा निकल गई है तो अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा।